त्रिद्विशी सत्संग समारोह का आज प्रथम दिन सोदिया जी का बहुत प्रयास रहा और शायद सफल की ओर है। साहिब जी के पास काल गया तो बताया कि फोन आया है, देख लेना। तो मेरे से बात हुई तो मैं कहा बहुत काफी लंबा यात्रा है और आप और कोई संत हो तो कहे साहब आप लोग आइए। और करीब करीब हम लोग 1000 किलोमीटर से आए हैं और ट्रेन से आने को देखा तो ट्रेन का रूट ही नहीं है वैसा इधर, और टाइम कम है। हम लोग कहे गाड़ी से चलते हैं। सोदिया जी को बताया ट्रेन का रूट नहीं, कहे जिससे आना है आप आइए, पर आइए। और संतों का आगमन साथ साथ आप सब आए तब यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। मेरे लिए निर्देश हुआ है आप सबके समक्ष, आप लोग जितना देर कहें उतना देर बोल देंगे हम लोग, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब तक कहे। अब आप लोगों को जाना भी है इसलिए अपने हिसाब से आप लोग टाइम बताएंगे। बीच में हमारे संत थोड़ा से प्रकाश डाले थे, बच्चों को वो चीज नहीं सिखाया जाता जिसकी वजह से बच्चे सही संस्कारित नहीं हो पाते हैं। हम जीवन में जो चाहते हैं वो करते हैं, हम जीवन में जो चाहते हैं वो करते हैं और इसका परिणाम आप सब जानते हैं। आपने चाहा कि मेरे घर में संपत्ति बढ़े और आपने पूरी शक्ति लगाया, शक्ति को पूरी केंद्रित किया, अपने समय और शक्ति को पूरा लगाया और उसके बदौलत आपके घर की धन संपदा बढ़ती चली गई। आपने चाहा मुझे गाड़ी चाहिए और गाड़ी खरीदने के लिए पूरी अपनी शक्ति लगाया, एनर्जी को पूरा उसमें लगाया, उसके बदौलत आपको गाड़ी मिला। आप चाहते हैं आपके बच्चे की नौकरी लग जाए और नौकरी भी लगती है। आप मेहनत करते हैं, बच्चे को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और बच्चे को नौकरी भी लगती है। आप जो चाहते हैं वो होता है। यहां बैठे कितने माँ बाप हैं, कितने बुजुर्ग हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे के पास संपत्ति हो या ना हो, नौकरी हो या ना हो, एक अच्छे इंसान बन जाए, मेरे बच्चे सभ्य निकले, मेरे बच्चे महान बन जाए, मेरे बच्चे एक इंसान बन जाए, इतना आरजू कितने लोगों के पास है? बहुत कम लोगों के पास। आप जरूर चाहते हैं मेरे बच्चे नौकरी करें और आपके बच्चे नौकरी करते हैं। आप जरूर चाहते हैं मेरे बच्चे अच्छे मकान बनाए, आपके बच्चे अच्छे मकान बनाते हैं, क्योंकि वो पाठ आप सिखलाते हैं। आपने सिखाया गाड़ी कैसे चलाना है, आपके बच्चे गाड़ी अच्छे चलाते हैं। आपने सिखाया बच्चे को मोबाइल कैसे चलाना है, मोबाइल अच्छे चलाते हैं। आपने सिखाया बच्चे को खेती कैसे करना है, आपके बच्चे खेती अच्छे से करते हैं, क्योंकि आपने उसे सिखलाया है। क्या कभी आपने ये भी सिखलाया कि माँ बाप का सम्मान कैसे करना है? क्या कभी आपने ये भी सिखलाया कि अतिथि का सम्मान कैसे करना है? क्या कभी आपने ये भी सिखलाया है कि जीवन को कैसे जीवन का निर्माण कैसे करना है, जीवन को कैसे ऊपर उठाते जाना है? क्या ये भी सिखलाया है आपने? आप अपने से पूछेंगे ना तो लगेगा शायद मैंने नहीं सिखला पाया। कैसे आपके बच्चे आपकी कहां मान जाएंगे?
हर माँ बाप की शिकायत होती है, बच्चे कहाँ नहीं मानते, कैसे आपके बच्चे आपकी कहाँ मान जाएंगे, मात्र इतने मात्र से कि आपने अपनी जीवन की सारी संपत्ति उस बच्चे के नाम में रख दिया, इतने मात्र से आपके बच्चे आपके कहाँ मान जाएंगे, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। आप पूरी जीवन की संपत्ति आप अपने बच्चे को बच्चे के ऊपर लगा दे पर भी आपके बच्चे आपके कहाँ नहीं मानेंगे, क्योंकि संपत्ति तो कहीं से भी कमाया जा सकता है, वही संपत्ति आप दे रहे हैं अपने बच्चे को, संपत्ति से बच्चे आपके कहाँ नहीं मानेंगे। इसलिए कभी मत सोचिएगा कि मैंने अपने जीवन की एक पाई पाई जोड़ करके मैंने अपने बच्चे को दे दिया पर भी बच्चे मेरे कहा नहीं मानते। आपने पैसा कमाना सिखाया, पैसे जोड़ना सिखाया, पैसा इकट्ठा करने सिखाया, वो चीज सीखे बच्चे, आपने जीवन का पाठ नहीं पढ़ाया है। बच्चे कहा नहीं मानते, आपने वो चीज ही नहीं सिखलाया। आपने बच्चों को कभी आश्रमों में नहीं ले गए, कभी अनाथ आश्रम में नहीं ले गए, कभी वृद्धाश्रम में नहीं ले गए, संतों के चरणों में झुकना नहीं सिखाया, सेवा शुद्धाएं और साधना नहीं सिखाया, खुद का निर्माण कैसे करना है, खुद को ऊपर कैसे उठाना है, खुद को कैसे तराशना है, खुद को कैसे रिफाइंड करना है, इस बारे में आपने बताया ही नहीं है, कैसे बच्चे आपके कहाँ मान जाएंगे। मात्र आपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, नौकरी लग गई, इतने से आपके बच्चे आपके कहाँ मान जाए, नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, नहीं संभव है। इसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा, आपको पाठ सिखलाना होगा, संस्कार क्या होता है, जीवन का निर्माण क्या होता है, अतिथि का स्वागत क्या होता है, माँ बाप का सम्मान कैसे होता है, और माँ बाप का सम्मान कैसे करना है, सिखलाने के लिए आपको खुद करना होगा, खुद करना होगा। आप अपने माता पिता के सामने रोज चरणों में झुके सुबह और शाम, बच्चे आप ही आप सीख जाएंगे कि मेरे मम्मी पापा दादी दादा का चरण स्पर्श करते हैं, मुझे भी करना चाहिए, सिखलाना नहीं है, सीख जाएंगे। आज के बच्चे कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, सिखलाना नहीं पड़ता है। आप एक गलती करते हैं उसको बच्चे, जैसे डस्ट होता है एक रुई का, वो पानी के पास जाने के बाद में सोखता है, ऑब्जर्व करता है। एक बच्चे का दिमाग, आंख और उनकी शक्ति, जो कुछ आप करते हैं ना उसको ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, वो सोख लेता है। आप एक गलती करेंगे वो बच्चे के अंदर वो शोषित हो जाता है, वो आपकी एक गलती आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बच्चे को ले जाइए आप आश्रमों में, बच्चे को आप घर में माता पिता होते हैं, मैंने बहुत से जगह देखा है, घर में माता पिता होते हैं, माता पिता को सम्मान नहीं दिया जाता है और चाहते हैं कि बच्चे हमारा सम्मान करें। जब हम खुद अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते तो कैसे हमारे आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे। जब बुढ़ापे की अवस्था होती है, 70 साल और 80 साल की अवस्था होती है, और 70 साल 80 साल की अवस्था में आपके माता पिता, बूढ़े माता पिता को पैसा नहीं चाहिए, आपके बूढ़े माता पिता को कहीं घूमने जाने की इच्छा नहीं होती है, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको मेवा मिष्ठान नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक लालसा होती है उनके मन में कि मेरे बच्चे मेरे पास आ करके बैठे, प्यार से बात करे, और कुछ नहीं चाहिए बच्चे को, कुछ नहीं चाहिए उस माँ बाप को। जब 70 साल 80 साल की अवस्था होती है, आप जितना ही प्रेम और श्रद्धा के साथ में गणेश की, भगवान की, भवानी की, दुर्गा की, माँ की श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, वही श्रद्धा और भाव से घर में माता पिता की पूजा करते तो आपका घर मंदिर बन जाता, बाहर मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं रह जाती आपको। जब 70 साल 80 साल की अवस्था होती है तो जर्जरता की अवस्था होती है, रूह कांप उठता है, चलने की हिम्मतें नहीं होती है, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है, और जीने का अंदाज खत्म हो जाता है, बस अब मन में एक आरजू होती है, रे मौत प्यारी रब, मौत मेरे सामने आया करे, बस मौत को बुलाते हूँ समय। और जब बुढ़ापा की अवस्था में, 80 साल की अवस्था में कहीं आप बाहर से आते हैं और बाहर से आकर के माता पिता के चरणों में झुक जाते हैं, उनके उनको प्रेम से
फूल के हारों से स्वागत कर देते हैं, कभी साल में एक बार दो बार उनकी आरती उतार देते हैं, उनके जीने की जो सोच होती है वो बढ़ जाती है, एक जीने का सहारा मिल जाता है। आपको पैसा नहीं चाहिए उस समय, उस माँ बाप को पैसा नहीं चाहिए उस समय। ये मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं बच्चे का संस्कार नहीं है ये आप करते हैं, ऑटोमेटिक बच्चे करते हैं। ऑटोमेटिक बच्चे का दिमाग डाइवर्ट होता है, इसके लिए कोई दवाई नहीं है, इसके लिए कोई पैसा नहीं है, इसके लिए कोई सीख और संस्कार की बातें नहीं है। ये अपने जीवन का लेवल ऊपर उठाने की बात है। ये जब 70 साल की 80 साल की अवस्था में शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, शरीर में कुछ करने की ताकत नहीं होती है, बस मैं उसी चेहरा लेकर के किनारे बैठे माँ बाप को जब आकर के उनके ही बेटे उनके चरणों में झुक जाता है, उनको ही कभी साल में एक बार दो बार तीन बार आरती उतार देता है, तो उनको जीने का एक सहारा मिल जाता है। आज मेरे बेटे मेरे से प्यार करते हैं, आज मेरे बेटे मेरे को सम्मान देते हैं। आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापा में आपके बच्चे आपका सम्मान करें? आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापा में आपके बच्चे आपको सम्मान दें? आपको आज से करना होगा। आप किस मतपंथ को मानते हैं, किस संप्रदाय को मानते हैं, किस भगवान को मानते हैं, आपकी इच्छा है ये। लेकिन माँ बाप से बढ़कर के, परिवार के सदस्यों से बढ़कर के, संत गुरुजनों से बढ़कर के इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, सारे भगवान नकली है। मैं क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए, लेकिन सारे भगवान हमारे हाथ का निर्माण किया हुआ है। और ये पूरा भारत एक ऐसा देश है जहां आज ये आपके बगल में इधर चले जाए किशनगढ़ तरफ, ये भगवान बनाने का कारखाना है हमारा भारत देश। इतना भगवान पैदा किया जाता है हमारे भारत देश में। और जो भगवान ने, जो भगवान हमको पैदा किया है, उस भगवान को हम तिरस्कृत करते हैं, बहिष्कृत करते हैं, वृद्धाश्रम खोलते हैं। क्या हमारा जीवन सुधर जाएगा? क्या हमारे बच्चे, आपके बच्चे आपके कहां मान जाएंगे? कैसे संभव हो सकता है ये कि आपके बच्चे आपका कहां माने? हमने तो उस पाठ ही नहीं सिखलाया, कभी बच्चों को स्कूलों में या अनाथ आश्रम में या संतों के पास में ले जाकर के सत्संग श्रद्धा और साधना के बारे में नहीं बताया जीवन को। इस पर मैं कल बताऊंगा कि जीवन का रिफाइंड कैसे किया जाता है, जीवन को कैसे तराशा जाता है। थोड़ी सी बात कहूं अभी, जैसे एक छोटा सा हीरा होता है, कच्चा हीरा, कच्चा हीरा कंकड़ की तरह दिखता है। मैं सूरत में एक साल रहा, हमारा आश्रम है सूरत में, एक साल रहा वहां। तो एक हीरे के व्यापारी बहुत लोग हैं जो आते हैं और देखा है साहेब जी ये कच्चा हीरा है। जब इस हीरे को तराश दिया जाता है तो इस हीरे की कीमत 5 गुना बढ़ जाता है। 5 लाख रुपए के हीरे 25 लाख रुपए तक बिकती है। हीरे को तराश दिया गया, वैसे ही जीवन को तराश दिए ना तो जीवन का कीमत बढ़ जाएगा। इस पर कल चर्चा करेंगे, मैं अपनी विषय पर आऊं। जीवन यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे संस्कारी हो, आपको खुद संस्कारवान। अच्छा, किसी ने कहा है कि बच्चे को संस्कार कब से देना चाहिए? माताएं ध्यान से सुने, किसी ने प्रश्न किया बच्चों को संस्कार कब से देना चाहिए? उत्तरदाता ने कहा बच्चे के जन्म होने से 20 साल पहले से। उत्तरदाता ने कहा बच्चे के जन्म होने के 20 साल पहले से बच्चे को संस्कार देना चाहिए। जब बच्चा पैदा ही नहीं हो तो संस्कार किसको दिया जाएगा? जो चाहते हैं कि बच्चे अच्छा संस्कारी हो, तो जो चाहते हैं वो खुद 20 साल अपने को संस्कारित करना शुरू कर दे, तो निश्चित ही उनके कोख से आने वाले बच्चे संस्कारित होंगे। कुछ माँ बाप अच्छे होते हैं, कुछ माँ बाप होते हैं जो अच्छे माँ बाप से पैदा हो करके भी अच्छा जीवन नहीं बना पाते, वो दुर्भाग्य है उनका जीवन, दुर्भाग्य है। ये इसमें आपको नहीं कोसना है, उनकी गलती है। आपने जितना निर्माण करना चाहिए थे, बच्चे को जितना उठाना चाहिए था, बच्चे को जितना संस्कार और शिक्षा देना चाहिए था आपने दिया, पर भी बच्चे आपका कहा नहीं माने, तो उनका दुर्भाग्य है। वो अपने जीवन को कोसेगा, वो अपने जीवन को कोसेगा, वो अपने आप को खुद जाने कैसे अपना निर्माण करेगा उनके ऊपर है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपके बच्चे आपका कहा माने, उस योग्य बनिए, तो आप कैसे नहीं मानेंगे बच्चे आपके?
आप समझते हैं कि धन संपत्ति मात्र से आपके बच्चे कहां मान जाएंगे? नहीं, आप इतनी योग्यता इतनी बढ़ाइए, इतनी पावरफुल बनिए। पावरफुल मतलब ये नहीं कि बच्चे आए तो दबक दे एकदम चुप रहो, ये पावरफुल नहीं। आपका संस्कार ऐसा होना चाहिए, आपका विचार ऐसा होना चाहिए, आपका आचरण ऐसे होना चाहिए कि आप घर में आते ही आपके बच्चे आपके सामने आकर के आपके गले से लग जाए, वो पावरफुल बनिए। दबाने वाला पावरफुल नहीं। पत्नी को दबा दिए, बच्चे को दबा दिए, माँ बाप को दबा दिए। एक घटना याद आई, एक घर में एक व्यक्ति गया और घर में जाते ही उनके अपने मित्र के घर में गया, उनके बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, उनके मित्र नहीं थे, तो उनके बच्चे उनकी पत्नी उनसे बढ़िया प्यार से प्रेम से बात करना शुरू कर दिए, मुस्कुरा करके हंस करके। लेकिन जैसे ही घर के मालिक आए, उनके मित्र आए जिनके घर गए थे, उनके मित्र आते ही सारे बच्चे अपने कमरे के अंदर, उनकी पत्नी उनके कमरे के अंदर। उनके मित्र पूछते हैं, भाई साहब अभी तक बच्चे यहां पर बैठ करके बड़े मजे से बात कर रहे थे, क्या बात है? तुम्हारे आते ही तुम्हारे पत्नी अंदर चली गई, तुम्हारे बच्चे अंदर चले गए, सबकी बोलती बंद हो गई, एकदम शांत माहौल हो गया। उनके मित्र कहते हैं, किसकी औकात है जो मेरे सामने आकर के बात करे? किसी की औकात है जो मेरे सामने आकर के बात करें? उनके मित्र कहते हैं, भाई साहब आप वकील है और जज है, वो जज थे। आपका जजपना आप वकालत में ही छोड़ करके आया करें, ये शोभा नहीं देता है। ये जज नहीं, ये कोर्ट नहीं है, ये आपका घर है, आपका मंदिर है। इतने में उनकी पत्नी को साहस मिलता है, कमरे से धीरे से आवाज से बोलती है, भाई साहब अपने मित्र को ठीक से समझा दिया करे कि जब भी आप अपना कोर्ट से निकलते हैं बाहर, तो वहां अपना जजपना और कोर्ट छोड़ करके आते हैं, जैकेट छोड़ करके आते हैं, वैसे ही अपने विचार और जजपना वहां छोड़ करके आया करे, हम लोग का जीना दुहर हो जाता है। उनकी पत्नी बोलती है, आपकी योग्यता ऐसी ना हो, वो योग्यता कोई काम का नहीं है। आपकी योग्यता ऐसी हो, आप जितना ही उलझे हुए हो, कहीं से भी आते हो, कहीं से भी नौकरी से, खेती से, काम से, व्यवहार से, बिजनेस से, आप जैसे ही घर में आते हैं, आपके बच्चे आपके सामने आ करके बैठ जाए, आपके माता पिता आपके करीब आ करके बैठ जाए और आपके माता पिता आपसे पूछे, बच्चे आज अपने आपसे पूछे, बेटा आज कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आज का दिन तो अच्छा रहा ना तुम्हारा, आपके माता पिता आपसे प्यार से बात कर सके। आप बाहर से आते हैं, बिजनेस से, नौकरी से, काम से, धंधा से, आप माता पिता के पास जा करके बैठ जाइए और माता पिता से पूछिए, मम्मी पापा से पूछिए, तबीयत तो ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, माँ से प्यार से पूछिए, यही बुढ़ापा में चाहिए माँ बाप को, और कुछ नहीं चाहिए, यही बुढ़ापा में चाहिए। आप अपने बच्चे को समय दीजिए। आज की दुनिया इतनी घुड़दौड़ की दुनिया है, हाय पैसा पैसा पैसा। मैं कहता हूं पैसा से जिक्र जीवन से अच्छा। अभी करीब करीब 15 दिन पहले एक घर गए थे, कार्यक्रम था, बड़ा प्रोग्राम था, उसके यहां गए और जाने के बाद में एक बच्चे से एक संत ने प्रश्न किया, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए क्या करना होगा? उसके बाद में वो बच्ची कहती है, कॉलेज कर रही है, वो प्रश्न पूछे कि तुमको क्या मिल जाए कि तुम्हारा जीवन समर जाएगा? वो बच्ची बोलती है, साहेब जी मुझे पैसा मिल जाए तो मेरा जीवन समर जाएगा। संत कहते हैं, पैसा से जीवन समर जाएगा? ठीक से सोच के उत्तर दो। कहते हैं, हाँ पैसा से जीवन समर जाएगा। फिर मैं कहा उनको, तुमको एक बड़ा से कमरे में बंद कर दिया जाए और उस कमरे में पूरा पैसों की गड्डी से भर दिया जाए, पैसा की कोई कमी नहीं, जितने पैसा चाहिए तुमको, पैसा में सो, पूरे पैसा में सो, इतना पैसा गड्डियों से भर दिया जाए, क्या तुम सुकून की जिंदगी जी पाओगे? सुख और चैन खत्म हो जाता है, पैसा से सुख नहीं मिलता है। पैसा से सुख मिलता
तो आज बड़े बड़े लोग जिसे हम कहते हैं ना, वो सारे सुख को खरीद करके अपने कोठरियों में भर दिए होते। गरीब लोगों के जीवन में सुख और शांति होता ही नहीं, और जिसे हम संत और फकीर कहते हैं उसके जीवन में सुख और शांति तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो संपत्ति छोड़ करके घर से चले जाते हैं। कभी सुख और शांति नहीं मिलता। पैसा से सुविधाएं मिलती है, सुख और शांति नहीं। पैसा से शारीरिक सुविधाएं हो सकती हैं, मकान बना सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, भोजन अन्न वस्त्र खरीद सकते हैं। क्या पैसा से सुख और शांति भी खरीद सकते हैं? आपके पास थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं, 1 करोड़ रुपया हो जाए, ये किसी की बात नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना पैसा ही जिंदगी है, वो याद कर ले इन बातों को, पैसा ही जिंदगी नहीं है। लेकिन पैसा बहुत कुछ है, मैं मानता हूं इस बात को, बिना पैसा के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका और हमारा जीवन, महत्वपूर्ण है जीवन अच्छा है, आचार और विचार अच्छा है, पैसा हम फिर से कमा सकते हैं। और आचार और विचार खराब है तो पैसा हम फिर से कमा करके भी हम विकलांग हो जाएंगे, हम पैसा कमा करके भी विकलांग हो जाएंगे, हमारा सम्मान नहीं होगा, हमको तिरस्कृत किया जाएगा, बहिष्कृत किया जाएगा, फिर उस पैसा का क्या काम रह जाएगा? आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, 1 करोड़ रुपया करके ले करके आप इस भारत की राजधानी दिल्ली में चले जाते हैं और कहते हैं भाई साहब मुझे 1 तोला सुख दे दो। जितने दुकान में जाएंगे कहेंगे कहीं आदमी पागल तो नहीं हो गया है, पैसा से सुख खरीदना चाहता है। यदि हम पैसा से सुख चाहते हैं ना, तो हम भी उसी पागल में गिनती में आते हैं, हम भी उसी पागलों के गिनती में आते हैं। मैं अपनी बात पर आया हूं, ये शाखा ऐसा है जिधर जाओ उधर शाखा निकलता जाता है, विचार ऐसा है जिधर जाए उधर ही एक नए विचार पैदा होता चला जाता है। बच्चों को संस्कार आपके हाथों में है, खुद का निर्माण हम करते हैं तो ऑटोमेटिक बच्चे संस्कारित होते हैं। आज के ही बच्चे आपका भविष्य है। आप अपने जीवन में बैंक अकाउंट में पैसा इंक्लूड करते हैं, सेविंग खाता खोलते हैं और आप पैसा जमा करते जाते हैं। हो सकता है आपके बुढ़ापे में वो पैसा काम दे या ना दे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके बुढ़ापे की लाठी आपके बच्चे हैं। आपका बैंक अकाउंट नहीं है आपके बुढ़ापे की लाठी। यदि आपने बच्चे को संस्कार सही नहीं दिया और मात्र पैसा इकट्ठा करते चले गए, तो आपके बुढ़ापे में वही बच्चे पैसा को उड़ा करके राख कर देंगे, बचेगा नहीं पैसा, कितना भी पैसा आप इकट्ठा कर लिए। और आपने बच्चे को संस्कार और शिक्षा अच्छा दिया और आपने बहुत पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, पर भी आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे, आपका सेवा और सत्कार करेंगे, क्योंकि वो अपना कर्तव्य समझता है। वो आपने अपने बच्चे को कर्तव्य की परिभाषा सिखला दिया कि माँ बाप का सम्मान कैसे करना है, माँ बाप की सेवा और सत्कार कैसे करना है, ये आपने बच्चे को सिखला दिया, तो आपकी फिर सेविंग अकाउंट की जरूरत नहीं रह जाती है। लेकिन आपके पास पैसा है, बैंक अकाउंट है, आपके पास है तो इकट्ठा करें, बुरा नहीं है, इसका विरोध नहीं है। लेकिन जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका सेविंग अकाउंट आपके बच्चे हैं, इस चीज को याद रखें। आप बच्चे को उपहार मत दीजिए चलेगा, आप बच्चे को उपहार मत दीजिए चलेगा, लेकिन आप बच्चे को संस्कार नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे को कार मत दीजिए, गाड़ी मत दीजिए, बंगला मत दीजिए, लेकिन बच्चे को संस्कार दीजिए ये चलेगा। बच्चे को आप संस्कार देते हैं तो बच्चे फिर से कमा सकते हैं, वो कार और बंगले फिर से खरीद सकते हैं। और आपने कार और बंगला दे दिया और बच्चे को संस्कार नहीं दिया, तो दिया हुआ चीज भी बेच खाएंगे, वो बचा नहीं पाएंगे वो। इसलिए बच्चे को संस्कार बहुत जरूरी है। बच्चे को अब दूसरी बात, बच्चे को भ्रांतियों से बचाइए। मैंने पहले ही कहा एक आज हमारा ऐसा भारत देश है जहां भ्रांतियां, जहां पग पग पर भ्रांतियां बिछा हुआ है, इतना गुरु हो गए हैं। और गुरु कहूं कि गोरु कहूं, और वो कौन है बताऊं? हम जैसे ही लोग हैं जो सही ज्ञान लोगों को नहीं देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं,
पंडित पुजारी लोग गुमराह करते हैं, यज्ञ करो, हवन करो, तर्पण करो, ये तीर्थ करो, यात्रा करो। अरे जीवन को सुधारने के लिए कपड़े से जीवन नहीं सुधरता, मकान बदलने से जीवन नहीं बदलता, गाड़ी बदलने से जीवन नहीं बदलता, तीर्थ यात्रा से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है वैचारिक क्रांति करने से, जीवन के विचारों को बदलने से जीवन बदलता है। आप बदल करके देखिए, मकान बदल दीजिए क्या जीवन बदल जाएगा, कपड़े बदल दीजिए क्या जीवन बदल जाएगा, कब गाड़ी बदल दीजिए क्या जीवन बदल जाएगा। कुछ लोग होते हैं इतने घटिया आदमी के होते हैं, अपने पत्नी को भी बदल देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, क्या जीवन बदल जाएगा। अरे स्वभाव सुधारना है, जीवन को सुधारना है तो विचारों को बदलना होगा। आपका जिस दिन विचार बदलना शुरू होता है, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। क्या विचार को बदलने का प्रयास किया है हमने? हमने तो विचार को बदला ही नहीं है, और हम सब कुछ बदल रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मूल चीज एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐ लोगों, एक साधे सब साधिया, एक को साधने से सब सद जाता है। क्या है वो एक को साधने से सब सदता है? मन को साधना है। यदि आप मन को हम सही दिशा की ओर ले जाते हैं, मन की साधना करते हैं, तो मन हमको ऑपरेट करता है सही दिशा की ओर, हमको मन ले जाता है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। यदि हम अपने इंद्रियों को साधना कर इंद्रियों को साधते हैं, हाथ को रोकने का प्रयास करते हैं, पैर को रोकने का प्रयास करते हैं, अपने जीभ को रोकने का प्रयास करते हैं, आंख को रोकने का प्रयास करते हैं, और क्या करते हैं, मन को नहीं साधते हैं, तो फिर से वही विषयों में जाएगा। ये हमारी इंद्रियों का काम है। तो उदाहरण देते हैं सदगुरु कबीर साहेब, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। आप पेड़ के तने में पानी डालते हैं, पत्ते में पानी डालते हैं, फूल में पत्ते में पानी डालते हैं, तो पेड़ विकसित नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब इतना सरल उदाहरण देते हैं, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। यदि आप जड़ में पानी डालते हैं, तो तने में पत्ते में पानी डालने की जरूरत नहीं रहती है। सिर्फ आप जड़ में पानी डालिए, और जड़ में पानी डालने मतलब मन की साधना करना है, मन के विचारों को बदलते जाना है, विचारों को बदलते जाना है। आप खुद बदलते हैं तो आपके बच्चे बदलते हैं। आप बहुत से लोगों को मैंने देखा है, इतने अच्छा जीवन, इतना अच्छा जीवन मिला है, इतना अच्छा विचार मिला है, सुंदर शरीर, सुंदर मन, सुंदर विचार, सुंदर वातावरण, खाने के लिए भोजन मिल रहा है, रहने के लिए मकान मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है, पर भी आदमी अपने को भ्रांतियों में ढकेलता चला जाता है, आदमी को अपने जीवन पर भरोसा नहीं है, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है। किस पर भरोसा होता है? भ्रांतियों पर भरोसा। जब आदमी 10-10 लाख 20-20 लाख की गाड़ी लेता है, उस 20-20 लाख और 10-10 लाख की गाड़ी पर भरोसा नहीं है, उसकी इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है। जब गाड़ी बनाया जाता है, तो एक गाड़ी बनाने के लिए करोड़ों करोड़ रुपये खर्चा किया जाता है। जो गाड़ी आपको मात्र 40,000-50,000 में मिलता है ना, उस गाड़ी को एक गाड़ी बनाने के लिए करोड़ों करोड़ों खर्चा करते हैं एक शुरुआत में, उसके बाद कई गाड़ियां बन जाती है। उसकी टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है, उसकी इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है। किस पर भरोसा है बताऊं? एक लाल चुनरी पर भरोसा है। देखिए आदमी का दिमाग, उसकी टेक्नोलॉजी पर, उसकी इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है। वैज्ञानिक इतना शोध करके उस गाड़ी को बनाता है, उसके टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है। एक लाल चुनरी बांध लिए या तो कुछ और बांध ली, उस पर भरोसा है। अपने जीवन पर भरोसा नहीं है, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है, अपने आप पर आत्मविश्वास नहीं है। किस पर आत्मविश्वास, किस पर है विश्वास? एक यहाँ रेशम बांध दिए या कलाताबीज बांध दिए, क्या तांडव है ये? कैसा जीवन का निर्माण कर पाएंगे हम? हम खुद कर्म करते हैं, अपने आप पर विश्वास नहीं है। भूत प्रेत जादू टोना लगन मूर्त, ये सब दुनिया का धंधा है, इस पर आप मत ठगाना। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि हमारा कर्म अच्छा है, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और कर्म खराब है तो कोई साथ देने वाले नहीं है। राजा दशरथ के 4 योग्य पुत्र हुए हैं, और चारों योग्य पुत्र में योग्यता में कोई कमी नहीं थी।
जो कहा जाता है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के चारों योग्य पुत्र, लेकिन योग्यता में कोई कमी नहीं थी। लेकिन बुढ़ापे के अवस्था में दशरथ राम राम पुकारते पुकारते दम तोड़ दिए, कोई पुत्र उनके साथ नहीं। कर्म ही खराब है तो कौन क्या करेगा। आप अपने कर्मों का निर्माण करिए। बुढ़ापे की अवस्था में इतना सुंदर जीवन का निर्माण करिए। आप अधिकतम लोग बूढ़े बाबा लोग बैठे हैं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, इतना सुंदर जीवन बनाइए, इतना सुंदर सभ्य वाणी बनाइए। आपके बच्चे नाती पोते आपके हो जाए, इतना प्यार से बोलिए, कर कर की वाणी बांधना, वाणी बोलना बंद कर दीजिए। आपके बच्चे आपके हो जाए, आपके बहू बेटे आपके हो जाए, आपके नाती पोते आपके हो जाए, आपके सम्मान करे, आपके पास आकर के बैठे, इतना मीठा वाणी बोलना शुरू कर दीजिए आप। और यहाँ ये बैठे यंग लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने माता पिता का, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, ताकि आने वाले पीढ़ी आपके बच्चे आपका सम्मान करना सीखे। यदि आज आप अपने माता पिता का आप सम्मान नहीं करते हैं, बड़े बुजुर्गों को सम्मान नहीं करते हैं, बुढ़ापे में उनका साथ नहीं देते हैं, तो निश्चित ही आप भी तय रहिए, तैयार रहिए कि बुढ़ापे में भी मैं भी अपने बुढ़ापे में दुखद यात्रा की तैयारी कर रहा हूँ। अपने आप को कहिए कि मैं भी अपने बुढ़ापा के लिए दुखद यात्रा की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं सुखद यात्रा के लिए मैंने ऐसा कुछ संजोया ही नहीं है, माँ बाप का सम्मान ही नहीं किया है, तो कैसे मेरे बच्चे मेरे सम्मान करेंगे। इसलिए बच्चे को सही शिक्षा और संस्कार, बच्चे को भ्रांतियों में मत अटकाइए, बच्चे को भगवान के भरोसे मत बैठाइए। आप सबसे निवेदन करता हूँ, कोई भगवान किसी का बेड़ा पार नहीं करता है, कोई भगवान कोई सद्गुरु किसी का बेड़ा पार नहीं करेंगे, सिर्फ रास्ता बताएंगे, बेड़ा पार आपको खुद करना है। आप अपने जीवन के निर्माता है, आप अपने जीवन को खुद तरासेंगे। आप एक प्रकृति का नियम है। सदगुरु कबीर की वाणी सब जानते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। यदि आज आप पेड़ बबूल का बोते हैं तो आम नहीं खा सकते। अभी आपके क्षेत्र में गेहूं का फसल लगाया गया है, लेकिन सौभाग्य कहूं कि दुर्भाग्य कहूं, जब आप फसल काटेंगे तो सारे के सारे लोग धान का फसल काटेंगे। ऐसा हो सकता है? ये नहीं होता है। यदि आपने गेहूं बोया है तो गेहूं का ही फसल काटेंगे। यदि आप दूसरा फसल चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आप बीज को बदल देंगे, बीज को बदल देंगे। आपके जीवन में कौन सा फसल काटना चाहते हैं, प्रेम का, दया का, क्षमा का, संतोष का, धैर्य का, सहनशीलता का, कौन सा फसल काटना चाहते हैं आप, सम्मान का, अपमान का। आप जो फसल काटना चाहते हैं वही फसल बीज, वही फसल बोना शुरू करिए। आप खेत में जो फसल काट बोते हैं वही फसल काटते हैं, लेकिन जीवन में आप दूसरों के साथ जो बोते हैं, जीवन का गणित उल्टा है, आप दूसरों के साथ जो बोते हैं वो अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों के साथ धैर्य और सहनशीलता का व्यवहार करते हैं तो अपने जीवन में सहनशीलता का फसल काटते हैं। आप दूसरों को सम्मान देते हैं तो अपने जीवन में सम्मान का फसल आप काटते हैं। दूसरों को प्यार देते हैं तो आपके जीवन में वही प्यार लौट करके अपने जीवन में वो फसल काटते हैं। कौन सा फसल काटना चाहते हैं आप? जो फसल काटना चाहते हैं वही दूसरों के साथ बोइए आप। दूसरों के साथ आप घृणा करेंगे तो जीवन में घृणा का फसल काटेंगे आप। बच्चे को जो आप सिखलाएंगे वो आपको लौट करके मिलेगा, कुल मिला करके। बच्चे को पंगु मत बनाइए आप, बच्चे को पंगु मत बनाइए, बच्चे को पुरुषार्थी बनाइए, बच्चे को अपने भरोसे पर टिकाइए। एक माँ रोज भगवान की पूजा करती थी, रोज भगवान की पूजा करती थी। उनके बच्चे पूछते थे, छोटा सा बच्चा 4 साल का बच्चा पूछता था, माँ ये कौन है, आप किसकी पूजा करते हैं? वो माँ बोलती थी, बेटा ये भगवान है, इसकी पूजा करती हूं मैं। बच्चे बोलते थे, इसकी पूजा करने से क्या होगा? माँ बोलती थी, बेटा ये भगवान है, जो मांगो सो मिल जाता है, जैसा चाहो वैसा हो जाता है, इसलिए मैं भगवान की रोज पूजा करती हूं, तुम भी किया करो। फिर से पूछता है वो बच्चे, माँ सच में जो चाहो वो हो जाता है, जो मांगो वो मिल जाता है? माँ बोलती है, हाँ बेटा, जो मांगो भगवान से वो मिल जाता है। ये बात माँ बोलती है, बच्चे कोई दिन पूजा नहीं करते थे।
हुआ क्या, कुछ दिनों बाद करीब करीब 3 माह बाद बच्चे एक दिन स्कूल से आए और स्कूल से आकर के बच्चे रोज माँ के पास भोजन के लिए दौड़ते हुए जाता था। वो बच्चा उस दिन माँ के पास नहीं गया। माँ जिस कक्ष में पूजा करती थी उस कक्ष में जा करके बैठ गया भगवान के पास हाथ जोड़ करके। माँ पुकारती है, रोज बच्चे मेरे पास दौड़ करके आता था, आज भगवान की कक्षा में क्यों गया है? ऐसी बात क्या है? आखिर क्या बात हो गई? खोजते खोजते जाता है, भगवान के कक्षा में बैठा है और माँ बच्चे से पूछती है बेटा आखिर क्या हो गया? तुम रोज भोजन के लिए मेरे पास आते थे सुबह के, खाए अभी खाए नहीं हो और तो आज भगवान के पास बैठे हो। बच्चे बोलता है, माँ भगवान से जो मांगो मिल जाता है ना। माँ फिर से बोलती है, हाँ बेटा भगवान से जो मांगो वो मिल जाता है, सच्चे दिल से मांगो तो। इतना में बच्चे कहता है, माँ मैं आज मेरा एग्जाम हॉल में एग्जाम था और मेरा एक क्वेश्चन आया था कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी मैंने लिखते लिखते मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने भारत की राजधानी भोपाल लिख दिया है। भगवान से मैं यही याचना कर रहा हूँ कि हे भगवान मैंने जो भोपाल लिखा हूँ उसको मेट करके भोपाल भारत की राजधानी दिल्ली कर देना, ये हो जाएगा ना माँ? माँ बोलती है, बेटा ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, आप बच्चे को पंगु मत बनाइए। आप बच्चे के भगवान के भरोसे, बच्चे को असली भगवान से मुलाकात कराइए। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं मैं, बच्चे को असली भगवान से मुलाकात कराइए। और असली भगवान घर के माता पिता असली भगवान होते हैं, घर के सदस्य असली भगवान होते हैं, संत गुरु जन अतिथि जन असली भगवान होते हैं। आप घर को मंदिर बनाइए, एक दायरे पर नहीं होना चाहिए आपका मंदिर, एक कोने में नहीं होना चाहिए आपका मंदिर, गांव में 2-4 जगह नहीं होना चाहिए आपकी मंदिर, आपका पूरा गांव हर घर घर मंदिर बन जाना चाहिए और घर घर के सदस्य भगवान के रूप होना चाहिए। और उसके लिए खुद को बदलना पड़ेगा, तब आपके बच्चे संस्कारित होंगे। साधारण नहीं है, बच्चे को पैदा कर देना, बच्चे को दूध पिला देना, पढ़ा लिखा देना, इतने मात्र से आपके बच्चे में अब सारी बात समझ में आई होगी। आपके बच्चे आपका कहा क्यों नहीं मानते, आपके बच्चे आपका कहा क्यों नहीं मानते, मैंने प्रश्न किया था। ये सारी बात आप निचोड़ करके देखिए, क्या आपने सिखलाया ये? आपने ये चीज सिखलाया? भगवान कौन है इसके बारे में बताया आपने? जीवन का निर्माण कैसे करना है इस बारे में आपने बताया? असली देवी देवता कौन है इसके बारे में आपने बताया? मंदिर कहाँ है इसके बारे में आपने बताया? लोगों ने मंदिर को एक सीमा एक दायरे में बांध दिया, भगवान को एक किनारे कर दिया, असली भगवान से मुलाकात ही नहीं करा पाए। जिस भगवान को आप मानते हैं मानिए, लेकिन असली भगवान, एक चीज और कहता हूं मैं, जब संस्कार की बात आती है तो हर बच्चे को अपने माँ बाप की पूजा और अर्चना और वंदना करना चाहिए, हर घर में पूजा होना चाहिए, हर घर में पूजा होना चाहिए। तो पूजा किसकी होती है, पूजा किसकी होती है? हर घर में पूजा होती है, लेकिन पूजा जिसकी प्राइमरी होना चाहिए उसकी सेकेंडरी हो जाती है और जिसकी सेकेंडरी होनी चाहिए उसकी प्राइमरी हो जाती है। सेकेंडरी और प्राइमरी क्या चीज है? प्राइमरी मतलब प्रथम, प्रथम उस भगवान की पूजा होनी चाहिए जो सच में भगवान है, और सच में भगवान माता पिता है, उसकी पूजा घर में कभी नहीं होती है। और एक एक फोटो लटका देते हैं, एक कागज और मिट्टी और पत्थर और मूर्ति मूर्ति बना देते हैं, उसकी पूजा करते हैं और जिन्होंने हमको पैदा किया उसको बहिष्कृत करते हैं, ये सेकेंडरी नहीं है। जो प्रथम है, प्राइमरी है, जिन्होंने हमारा निर्माण किया, जिन्होंने हमको इतना ऊपर उठाया, जिन्होंने हमने जीने की कला सिखाया, जिन्होंने हमारा हर बोलना सिखाया, गीला में रह करके सूखा में सुखाया, हमको अपना पैदल चल करके हमको गाड़ी मोटर दिया, उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं पर भी आज हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल मिलता है, क्या ये प्राइमरी नहीं है? माँ बाप की पहला पूजा नहीं होना चाहिए? दादी दादा का पहली पूजा नहीं होना चाहिए? संत गुरुजनों की पहली पूजा नहीं होना चाहिए? जिन्होंने हमको दुखित मन को, एक मन की प्रसन्नता को बरकरार रखने के लिए एक जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जीवन को तराशने की कला सिखाते हैं, अपना खुद का निर्माण कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है?
आप जिसकी पूजा करते हैं करिए, लेकिन प्राइमरी नहीं है वो, सेकेंडरी है वो। दिल्ली में एक व्यक्ति सभ्य परिवार से था। सभ्य परिवार से होते हुए भी एक दिन उनके बच्चे बाहर गए और कुछ देर बाद आया वो बच्चे। करीब करीब 11 बजे रात्रि को आया और 11 बजे रात्रि को आया। दूसरा दिन ठीक उसके यहां सुबह 8 बजे पुलिस आया और पुलिस आते ही घर में प्रवेश करता है और एक फोटो दिखाता है। क्या आप इस बच्चे को जानते हैं? उनके पिताजी कहते हैं हाँ, मैं अपने बच्चे, हाँ मेरा बच्चा है, जानता हूं। कहते हैं आपके बच्चे को हम लोग अंदर करने आए हैं, उन्होंने इंडिया गेट के सामने कुछ गलत काम किया है, छिड़खानी का काम किया है। पुलिस कहते हैं, उनके पिताजी कहते हैं 2 मिनट रुक जाइए और जा करके अपने कमरे में, बच्चे जहां पर सोए थे वहीं पर उनका चादर खींचता है। कहते हैं क्या तुम कल इंडिया गेट के पास गए थे और तुम किसी के साथ कुछ किए हो? उनके बच्चे चुप हो जाते हैं, कोई उत्तर नहीं देते हैं। उनके पिता बाहर निकलता है और पुलिस वाले को कहते हैं हाँ ये मेरे बच्चे हैं और आप मेरे बच्चे को ले जा सकते हैं। उनके पास पुलिस आए उनके कक्षा में और हथकड़ी लगाए और बच्चे को ले जा रहे थे। उनके साथ में 3 सिपाही थे। एक सिपाही थानेदार को रोका और बच्चे को ले जाकर के 2 सिपाही आगे बढ़ गए और उनके हाथ में 5,000 रुपया देता है। आप लोग सोच रहे होंगे 5,000 रुपये देकर के बच्चे को छुड़ाएंगे? नहीं, बच्चे को छुड़ाने के लिए वो पैसा नहीं दे रहा है। बच्चे को छुड़ाने के लिए वो 5,000 रुपया नहीं दे रहा है। वो कहते हैं इस 5,000 को ले लो और बच्चे का ऐसा मरम्मत करना, ऐसा सीख देना कि दोबारा उनका हाथ और उनका नजर ना उठे दूसरे की ओर गलत कर्मों के लिए, ऐसा सीख और संस्कार देना। और 5,000 रुपया देकर के उनको भेजता है। आप हम होते तो क्या करते? भैया 50,000 रुपया तुम ले लो लेकिन मेरे बच्चे को मत ले जाओ, यही तो कहते ना। आप सोचिए हम क्या करते हैं। आपके बच्चे कहां माने वो योग्यता पैदा करिए। बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, कुछ लोग 30 साल 40 साल 40 50 60 70 80 साल की अवस्था हो जाती है। 80 साल के बुजुर्ग लोग होते हैं, गांजा के दम ऊपर दम मारते रहते हैं। क्या सिखलाएंगे आप अपने बच्चे को? मैं क्षमा चाहता हूं, यहाँ चलता है ये यूपी और आपके इधर MP बहुत चलता है। ये बैठे हैं 4-6 बूढ़े लोग, गांजा के ऊपर दम लगाए जा रहे हैं। क्या सिखलाएंगे बच्चे को? इससे क्या सीखेंगे बच्चे? आपसे मत सिखलाइए, आप गलत पाठ मत पढ़ाइए बच्चों को। आपके बच्चे आपका सम्मान कर सके, आपके बच्चे आप पर गर्व महसूस करे, जिधर भी बच्चे जाए आपकी सुगंधि फेरते जाए, जहां भी जाए बच्चे आपके गुणगान गाए, मैं ऐसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया, ऐसे दादी दादा के परिवार से परिवार है मेरा, जहां हर लोगों में सद्गुण से भरा हुआ है, सद्गुण से ओतप्रोत है, ऐसा परिवार है। इसलिए आप उन बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। अपनी योग्यता माँ बनने के बाद में आपके पास मातृत्व भाव पैदा होना चाहिए। मात्र माँ बच्चे को पैदा कर देने से और स्तनपान करा देने से कोई माँ नहीं हो जाती है। आपके पास मातृत्व भाव आना चाहिए। आप पिता है तो आपके पास पितृत्व भाव पैदा होना चाहिए कि बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा और संस्कार दिया जाए, किस प्रकार से पाठ पढ़ाया जाए, किस प्रकार से। एक ने कहा है कि बच्चे को दुनिया नहीं दिखानी चाहिए, थाईलैंड, यूएस, अमेरिका, जापान, मॉरिशस, दुबई, ये सारी चीज नहीं दिखाना चाहिए बच्चे को। बच्चे को वो सीख सिखलाना चाहिए कि किसान कैसे किसानी करता है, एक लेबर कैसे मजदूरी करता है, एक शिक्षक कैसे शिक्षक की नौकरी करके 1-1 रुपया पैसा कमाता है और जीवन का निर्माण करता है। बच्चे को वो पाठ सिखलाना चाहिए, बल्कि विदेश दिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप बच्चे को संस्कार और शिक्षा वो दीजिए जिसे आप के बच्चे संवरे, जीवन का निर्माण हो उसी से। तब हमारा जीवन, हम खुद महसूस करेंगे कि हम वास्तव में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और सुंदर जीवन का निर्माण कर रहे हैं। खुद को लगेगा तब आप के बच्चे आपका कहां मानेंगे। अब इतनी सारी कसौटी के बाद
इतनी सारी कसौटी के बाद अब अपने आप से प्रश्न कीजिए, अब क्या बच्चे मेरे से कहा मानेंगे, इसमें क्या क्या चीज सिखलाया मैंने। बच्चे पैदा होते हैं और बच्चे के पैदा होते हुए भी क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहूं कि सौभाग्य कहूं, बच्चे के गले में भभूत डाल देते हैं, ताबीज डाल देते हैं, काला धागा। क्यों बच्चे को भ्रांतियों में फंसा रहे हैं आप? वो बच्चे को पता भी नहीं है इस ताबीज के बारे में, आप ताबीज पहना दिए, काला धागा पहना दिए, और कुछ पहना दिए। क्यों आप बच्चे को कमजोर और लूला बना रहे हैं? आप अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे को मजबूत बनाइए। जादू टोना में भूत प्रेत से कुछ नहीं होने वाले हैं। अगर कुछ होता है तो आपके बैगा को लाइए, यही हम प्रश्न करते हैं। अगर कुछ होता है तो हमको बता दे बस, और हमको जो करना चाहे अपने तंत्र मंत्र से कर दे, हम छूट देते हैं, लिख के भी दे सकते हैं। अपने तंत्र और मंत्र और शक्ति के द्वारा अगर कुछ कर सकते हैं तो करके दिखा दे हमको, कुछ नहीं होता है। इन भ्रांतियों में आप मत पड़े और बच्चे को कभी कमजोर मत बनाइए। बच्चे को सही पाठ सिखलाइए, सही शिक्षा दीजिए, सही ज्ञान दीजिए, सही और सही शिक्षा और सही ज्ञान की परिभाषा वहा है जिसमें कर्मकांड और पाखंड ना हो। सही ज्ञान वही है, कर्मकांड और पाखंड ना हो। सत्य दो और दो चार कोई भी कहते हो मतलब वो सही है, दो और दो पांच कितना ही बड़े विद्वान कहे वो गलत। वैसे ही कर्मकांड और पाखंड ना हो, वह ज्ञान सही ज्ञान है, उन ज्ञान की ओर ले जाइए। और सही शिक्षा और संस्कार के बारे में आप लोग बताएं। मैंने आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया, शेष दो दिन और है, उस पर अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी हम सब साहेब जी की एक बात बताऊं, कबीर माने होता है क्रांतिकारी। सद्गुरु कबीर को आप किस रूप में किस दृष्टि से देखते हैं वो हमारी विवेक और समझ के ऊपर है। कबीर का ज्ञान और कबीर का विचार, हम आज तक कबीर के नाम सुने हैं लेकिन कबीर के विचारों को नहीं सुने। सद्गुरु कबीर के विचार यदि हमारे भीतर में अंकुरित हो जाए, उनके विचार का जन्म हो जाए, समझ लेना कबीर मिल गया। आज वही सद्गुरु कबीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे संत जन आप सबकी दर्शन कहें या सद्गुरु के ज्ञान को उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत जन समय दिए हैं, उस समय का भरपूर हम सबको उपयोग करना है। आइए पूज्य श्री को सुनने के पहले एक बार आप सबको और हमारे रतन भाई की ओर आकर्षित करता हूं, फिर साहेब को सुनेंगे। अनमोल तेरा जीवन और यूं ही गुजर रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गुजर रहा है, अनमोल तेरा जीवन। किस ओर तुझको जाना, तू किस ओर जा रहा है, किस ओर तुझको जाना,
कहीं रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं दम निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है अनमोल तेरा जीवन। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गुजर रहा है, इस ओर तुझको आना, किस ओर तुझको आना, तू कुछ और जा रहा है। दुनिया के बंधनों कोई नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको, कब से रुला रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गुजर रहा है, अनमोल तेरा जीवन। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की जय। मानव समाज के प्रबल प्रेरणा स्रोत वंदनी संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, अभी हम सब हमारे पूज्य गुरु भाइयों के बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे। आइए आप सबको मैं सद्गुरु कबीर साहेब के विचारों की ओर जोड़ता हूँ। सद्गुरु कबीर साहेब जी का मौलिक ग्रंथ बीजक, जिससे आप सब भली भांति परिचित ही होंगे। सद्गुरु कबीर साहेब जी ने कहा है, सदगुरु वचन सुनो हो संतों, ध्यान से सुनेंगे साखी सुनते ही आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सदगुरु वचन सुनो हो संतों, मत लीजय सिर भार, हो हुजूर ठाड़ कहत हो अब तय समर समार। भारत की धरती
अत्यंत पुरा काल से ऋषि प्रसूता रही है। इस भारत की पावन भूमि में बड़े बड़े ऋषि मनीषी संत और गुरुजन हुए हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और जो हमारे पूर्वज संत हुए हैं उनकी हम संतान हैं। इन बातों पर आप गौर फरमाएं। उन पूर्वजों के, उन ऋषि मुनियों की हम संतान हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो त्याग तपस्या, जो आदर्श, जो बलिदान करके हमें जो दिखाए हैं, उनके आदर्शों को हम मिट्टी पलित ना करें। यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता होगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं इस आधुनिक युग में, इस भागम भाग की दौड़ में, आज के जनरेशन के लोग पाश्चात्य सभ्यता को अधिक लोग अपना रहे हैं। और ये पाश्चात्य सभ्यता के चलते हमारी भारतीय संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बड़े बड़े ऋषि मनुष्य हुए, कपिल, कनाद, बुद्ध, महावीर, कबीर। ये भारत देश आज भी वर्तमान में अन्य देशों की अपेक्षा, चाहे टेक्नोलॉजी के मामला हो या कुछ भी हो, उनमें हमारा भारत देश कई देशों से, अमेरिका, चीन, जापान, इससे हम पीछे हैं। ये भारत, अमेरिका, जापान ये विकसित देश हैं और हमारा भारत देश विकासशील देश है। अभी हम विकास की ओर, प्रगति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, फिर भी पूरी दुनिया इस भारत के सामने नतमस्तक होता है, सर झुकाते हैं। इसका एक ही कारण है, क्योंकि भारत को दुनिया के लोग धर्म गुरु देश के नाम से जानते हैं। और इस भारत को धर्म गुरु का दर्जा दिलाने वाले कौन थे? भगवान बुद्ध थे। बोलो भगवान बुद्ध की। ऐसे ऐसे संत और मनीषी इस भारत में जन्मे, हम उनकी संतान हैं, उनकी लाल हैं, और फिर भी हमारे कदम भाग जाएं, हम दिशा विहीन हो जाएं, तो फिर हमारा दुर्भाग्य जग जाएगा। और सद्गुरु कबीर साहेब, इन संतों और ऋषि मुनियों की लाइन में सद्गुरु कबीर साहेब की तो अद्वितीय विद्वता, उनका विलक्षण जीवन। सद्गुरु कबीर साहेब अध्यात्म क्षेत्र के महारथी थे। वो साधना के उत्तुंग शिखर पर पहुंचे हुए महापुरुष थे। इसीलिए उन्होंने कहा, सद्गुरु वचन सुनो हो संतो। ऐसे नहीं कहा, ये भारत की धरती, उन्होंने भी संतों के दर्शन किए, उनके सानिध्य में गए, उनसे सीखे, समझे। वो सद्गुरु कबीर साहब जी ऐसे नहीं कह रहे हैं, अपनी अनुभव की बात, अपने जीवन में जिन्होंने देखा, सुना, समझा, वही बात, वही चीजें, वही सामान, वही वस्तु हम और आप सबको भी परोस रहे। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब जी जानते हैं कि मैं इन संतों के सानिध्य पाकर, इस संतों के चरण शरण में रहकर अपने जीवन का मैंने कल्याण किया, अपने जीवन में सुख और शांति को बटोरा, वैसे ही मेरे बच्चे, मेरे अनुयायी भी इन धर्म और अध्यात्म की बातों को समझकर अपने जीवन को सफल बनाए। तभी उन्होंने कहा कि सद्गुरु वचन सुनो हो संत। ऐ लोगों, सद्गुरु और संतों के वचनों को सुनो। अब सद्गुरु कौन है, किसको हम सद्गुरु कहें?
साधु संतों के भेष में तो बहुत लोग घूम रहे हैं। साधु संतों का चोला और भेष तो बहुत लोग बनाए हैं। कितने गुंडे मवाली हत्यारे लोग भी हत्या करके इसी साधु और संतों के वेश में छिपते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये वेश ऐसा है, ये पवित्र जीवन जिसमें मैं ऐसे अपने वेश को बदलकर अपने अपराधों से बच सकता हूं। तो सद्गुरु वो हैं जिनके जीवन से, जिनके दर्शन से, जिनके व्यवहारों से हमें आध्यात्मिक दृष्टि मिले, और ऐसे संत गुरुजनों के चरण शरण में जाने से जीवन का कल्याण होता है। किसी आज तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर जीवन कल्याण की बातें होती हो। अन्य सारी चीजें बहुत सिखाते हैं। देखिए अभी जगह जगह ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, हमारी माताएं भी जाती हैं, हमारे भाई लोग भी जाते हैं। जब ब्यूटी पार्लर में आप जाते हो तो आपके शरीर सुंदर दिखता है, भले वो कुछ क्षण पल के लिए हो, लेकिन शरीर में चमक आ जाता है, आदमी का चेहरा खिल जाता है। एक ब्यूटी पार्लर में जाने से आपके शरीर में परिवर्तन होता है। ऐसे ही जब हम सद्गुरु और संतों के सानिध्य में जाते हैं, नित प्रतिदिन जब सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तो आपके विचारों में, मन में परिवर्तन आता है। और सत्संग हमें यही सिखाता है कि आपका जीवन सरल हो, सहज हो, कोई बनावटी ना हो। आज हम लोग बाहरी दिखावा में हमारी दुनिया चल रही है, भले खाने को घर में ना हो, आपकी जेब में पैसे ना हो, लेकिन शान और शौकत पर आग लगी हुई दिखावाबाजी। तो सद्गुरु और संतों के जब हम चरण शरण में जाते हैं तो जीवन में सद्बुद्धि आती है। ये सत्संग एक ऐसा स्थल है, ऐसी जगह है जहां पर जीवन निर्माण की बातें होती है, जीवन को गढ़ने और तराशने की बातें होती है। जैसे हम शीशा के सामने, दर्पण के सामने जब जाते हैं तो जैसे हमारे चेहरा होता है, जैसे बाल बिखरे हुए या संवारे हुए हैं, जैसा भी होता है वो शीशा, वो दर्पण हमें वैसा ही दिखाता है। वैसे ही जब आप सत्संग में आते हैं तो आपके अंदर कितनी कमी है और कितनी खूबी है, इन बातों को हम स्वयं आकलन करना सीखते हैं। तो सत्संग जब हम करते हैं, संतों के सानिध्य जब हम जाते हैं, तो जीवन में सद्बुद्धि आती है। जैसी आपकी सोच होती है, जैसे आपकी मन की भावनाएं होती है, जैसे आपके अंदर तरंग उठते हैं, जैसे विचारों के ज्वार भाटे आते हैं, वैसे आपका मन बनता है और वैसे आपकी जिंदगी बनती है। आप दिन भर जो सोचते हो वही आप बोलते हो और वही आप होते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हर किसी के पास आज मोबाइल है, आप अपने मोबाइल में, ध्यान से सुनिएगा, आप अपने मोबाइल में भजन सुन रहे हैं। क्या भजन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई का प्रसिद्ध भजन है। इस भजन को आप अपने मोबाइल के माध्यम से सुबह से सुनते सुनते, वही भजन सुनते 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 शाम हो गई, और खुदा ना खास्ता आपकी मोबाइल की बैटरी कहीं डिस्चार्ज हो गई, तब आप क्या गुनगुनाओगे? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या क्या गुनगुनाओगे? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्यों गुनगुनाओगे? क्योंकि आपने उस भजन को कई बार सुने, बार बार रिपीट कर करके, बार बार रिपीट कर करके जो सुने हो वही गुनगुनाओगे। उसकी जगह में कोई फिल्मी गीत सुन रहे हैं तो वही गुनगुनाओगे।
इसलिए आपका सोच, आपकी समझ बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अच्छा सोचें, दूसरे के लिए गलत ना सोचें, दूसरे के लिए आपकी मन में गलत भावनाएं ना उठे, इनका आप ख्याल रखें। हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं, सोच रहे हैं जैसे नदी की धारा में बह रहे हैं। जब बहुत दूर आदमी बह जाता है तेज धारा में, तब उसको ख्याल आता है कि अरे मैं बहुत दूर बह गया। फिर धारा इतनी तेज होती है कि आप वापस लौटकर आप आना मुश्किल होता है। इसलिए जिंदगी के बेशकीमती लम्हे को आप व्यर्थ मत जाने दें। अच्छा सोचें, अच्छा विचारें, तब आपका जीवन अच्छा बनेगा। आप सोच रहे हैं मैं जैसे तैसे रफ तप काम करूं और जीवन में अच्छा परिणाम आए, ये कभी नहीं हो सकता। आप जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं या कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, अब वो डॉक्टर बनने की चाहत तो रख रहा है, उसके अंदर चाहना है, लेकिन वो संगत कर रहा है वकील का, वकील के पास बैठ रहा है, उसी के दांव पेच जान रहा है, क्या वो व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है, लेकिन उसकी चाल, उसकी दिशा कुछ अलग है। ऐसे हम लोग हैं, जीवन में सुख मिले, शांति मिले, अंदर में अमन चैन का साम्राज्य हो, कैसे होगा? एक व्यक्ति था, ये छोटी सी कहानी या चुटकीला समझे, वो हनुमान जी का पुजारी था, बड़े भक्त का पुजारी था। सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ता था, शनिवार मंगलवार उसके जो वार का दिन है उस दिन वो उपवास भी रहता था। और एक शहर में लॉटरी का टिकट बिक रहा था, और वो बंदा जब भी हनुमान के पास जाता पूजा आराधना करके वंदना करके, हनुमान जी से हाथ जोड़कर कहता था कि हे हनुमंत लाल जी, अरे मेरी लॉटरी लगा दो। बस सुबह शाम वही मांग हनुमान जी के पास। हम लोगों की भी आदत है, भगवान की दो अगरबत्ती जलाएंगे, कुछ लड्डू चढ़ा दिए 5-10 रुपए का, और लाखों और करोड़ों की लंबी लंबी चाहनाएं। कितने लोग हनुमान जी के पास लड़के बच्चे मांगते, अरे हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी, उसके पास फैक्ट्री थोड़े कि लो भाई ले लो। तो वैसे ही वो पुजारी भी हनुमान जी से सुबह शाम रोज कहता था कि हनुमान जी मेरी लॉटरी लगा दो भगवान, ताकि मेरी गरीबी, मेरी दरिद्रता मिट जाए। ऐसे सुनते सुनते एक दिन हनुमान जी को गुस्सा आ गया, ये कहानी भाई कहानी के हिसाब से सुनना। तो हनुमान जी को गुस्सा आ गया, उठा और अपना गदा उठाया और अपने भक्त को एक गदा लगाया। जैसे ही एक गदा पड़ा, उसका भक्त बेहोश हो गया, क्योंकि हनुमान जी का भारी भरकम गदा। थोड़ी देर बाद उस भक्त को होश आया, तो देखता है कि गदा का प्रहार करने वाले मेरे ही प्रभु जी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान, आपकी पूजा आराधना कर रहा हूं, दिन रात आपका ही नाम जप रहा हूं, और आप मेरे साथ ऐसे सलूक करें, ऐसे व्यवहार करें, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तब हनुमान जी ने कहा कि अरे मूर्ख, रोज रट रहे हो, 15 दिन हो गए तुमसे यही सुन रहा हूं कि हनुमान जी मेरी लॉटरी लगा दो, मेरी लॉटरी लगा दो। अरे मूर्ख, ये तो बताओ कि तुम लॉटरी की टिकट खरीदे हो कि नहीं? तब वो बंदा कहता है कि भगवान, लॉटरी का टिकट तो मैं खरीदा ही नहीं हूं। जब लॉटरी के टिकट तुम नहीं खरीदे हो, तो तुम्हारी लॉटरी लगेगी कैसे? ऐसे हम लोग भी हैं, भगवान से हाथ जोड़ रहे हैं, उससे जोड़ रहे हैं कि जीवन में सुख आ जाए, शांति आ जाए, मेरे जीवन के दिन खुशनुमा हो, हंसी खुशी से जीवन बीते। ये आप कोरी चाहना से कुछ भी नहीं होगा। जो भी करना है आपको ही करना है,
किसी भगवान के भरोसे, किसी संतों के भरोसे बैठकर आप अपनी जिंदगी के अनमोल क्षणों को मत खोइए। अपने जीवन का उद्धारक आप ही हैं। अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने जीवन को गढ़ना और तराशना आपको ही है। संत गुरुजन, सज्जन, बूढ़े बुजुर्ग आपको सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाएंगे। मैं यहीं बैठे बैठे पूछूं कि यहां से भोपाल जाना है तो किधर से जाऊं, आप लोग बताएंगे, महाराज जी इस सड़क को पकड़िए और सीधे जाइए, आप कहीं मुड़ना मत, सीधे भोपाल पहुंच जाएंगे। आपने मुझे बता दिया, अब मैं उस रास्ता से ना जाकर उसके विरुद्ध रास्ता की ओर चलना शुरू करूं तो जिंदगी भर चलता रहूं लेकिन भोपाल से मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, कभी हो ही नहीं सकता। यही घटना हमारे जिंदगी में और हमारे जीवन में घट रहा है, और ये आज से ही नहीं घट रहा है। न जाने कितने बार मनुष्य का शरीर मिला, मनुष्य की जिंदगी मिली, मनुष्य की काया मिली, लेकिन हर बार ठगाए। एक बार ठगाए बावन वीर कहा है, और बार बार ठगाए गप्पू नाथ कहा है। और गप्पू नाथ कब तक बने रहोगे, अपने से पूछो कि कितने बार मैं गप्पू नाथ बनूंगा। और हम ये धोखाधड़ी और बेईमानी किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं अपने साथ कर रहे हैं। कोई व्यक्ति हो और कोई व्यक्ति से मैं कहूं, यहां पर जितने लोग पंडाल में बैठे, किसी एक से मैं कहूं, भाई साहब ये पत्थर रखा है और इस पत्थर को उठाइए और मेरे सर पर मारिए, और सर पर आप मारोगे उस पत्थर को मेरे सर पर, फिर मैं आपको 500 रुपया दूंगा, क्या ये समझदारी भरी बातें हैं? नहीं है। इसलिए बंधुओं, हम सोचते किसी को धोखा देते हैं, किसी को ठगते हैं, किसी के साथ गलत सलूक करते हैं, मन में बड़े हम खुश होते हैं कि उसको ठग दिया, उसको बुद्धू बना दिया, अरे धोखाधड़ी करके उनसे इतने रुपया ऐंठ लिया। मत सोचना कि किसी और को आप ठग दिए, किसी और को धोखा दे दिए, अरे उसके तो 500,000 रुपया जाएगा लेकिन आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अभी जवानी में कहते हैं जवानों के पास जोश तो रहता है लेकिन होश नहीं रहता, और हमारे बूढ़े बुजुर्गों के पास होश रहता है लेकिन जोश नहीं रहता। ये कैसी प्रकृति की विडंबना है। जिंदगी जब तक जीते रहो, जब तक शरीर में ऊष्मा है, ऊर्जा है, एनर्जी है, ताकत है, तब तक जीवन समझ में नहीं आता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। इसलिए जीवन के रहस्य को, जीवन के मर्म को, जीवन की हकीकत को आप समझने का प्रयास करें। जिंदगी के बहुत क्षण बीत चुके, इस पंडाल के नीचे जितने लोग हम बैठे हैं, कई उम्र दराज के लोग बैठे, अभी भी हम अपने जिंदगी को समझ नहीं पाए, बस जी रहे हैं, सांसें चल रही हैं और जीवन का समय बीतता चला जा रहा है। ये जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, ये जीवन की सफलता नहीं है। इसलिए संत गुरुजन जो जीवन में अनुभव किए उन्हीं बातों को हमको बताते हैं, लेकिन संतों की बातें, ज्ञान ध्यान की बातें हम सुनते हुए, समझते हुए भी अनसुना कर देते हैं। इधर जीवन को अच्छा भी बनाना चाहते हैं, दूसरे तरफ उनकी बातों को हम समझना नहीं चाहते, या तो समझ रहे हैं तो उस हिसाब से जीना नहीं चाहते। ये जीवन का दो तरफा पना, एक तरफ अच्छा जीवन चाहते हैं, दूसरी तरफ गलत काम करते हैं। कोई आदमी जहर पी ले
और सोचे कि मेरा जीवन बना रहे। आप आग में हाथ रखते हैं और सोचते हैं हाथ जले ही ना, कैसी हमारी सोच है। नियम के प्रकृति के विरुद्ध काम जब जब हम करेंगे तो प्रकृति की ओर से आपको तमाचा पड़ेगा ही। आदमी माफ कर सकता है लेकिन प्रकृति कभी माफ नहीं करती है। हम लोग क्या है, अपने साथ ईमानदारी करना सीखे। अब तक अपने साथ ही हम बेईमानी करते आए हैं। आदमी देखो चलते रहता है, सुनसान देखा किसी का समान है, तब हम क्या करते हैं, अकेले रहते हैं तो अगल बगल ऐसे देखते हैं, हाँ कोई नहीं दिख रहा, बस सामान उठा लो, किसी की चीज चोरी कर लो। जिस समय आप किसी का सामान उठाए या किसी के घर में घुसकर चोरी किए, सचमुच में आपको कोई नहीं देखा है। लेकिन क्या आप अपने आप को नहीं देखे हैं? अपने आप का जानना ही काफी होता है। अभी यहां पर इतने लोग हम लोग बैठे हैं, मान लो एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, कोई आदमी किसी की हत्या करके आया हो, यहीं पर कहीं पुलिस आ गई, तो जो व्यक्ति किसी की हत्या करके आया, ऐसे कोई गलत काम करके बैठा है, उस आदमी के माथे पे पसीना आ जाएगा, वो भयभीत हो जाएगा। पुलिस ये नहीं जानती है कि हत्या करने वाला व्यक्ति यहीं बैठा है, लेकिन जो व्यक्ति गलत काम किया है, गलत कर्म किया है, वो उसके गलत कर्म उसको डराता है। जैसे आज हम लोग सुबह 8:30 बजे प्यार जी भैया के यहां पहुंचे और मैं कहीं उसके कमरे में जाकर उसकी जेब से 500 रुपया कहीं निकाल लिया, निकाला नहीं अभी बता रहा हूं, ध्यान रखना। अब उसके जेब से मैं 500 रुपया निकाल लिया, अब 18 तारीख को कार्यक्रम समाप्त हो और चला जाऊंगा अपने आश्रम कबीर आश्रम नवापारा राजीव रायपुर, और कहीं घूमते घामते कहीं प्यार जी हमारे छत्तीसगढ़ पहुंच जाए हमारे आश्रम, उस व्यक्ति को मैं जैसे ही देखूंगा तब क्या याद आएगी, इसी के जेब से मैं 500 रुपया चुराया था। कहीं आप यहां आपके गांव वाले पहुंच गए, उसको भी देखूंगा मैं तो मुझे वही याद आएगी किसी के गांव से मैं 500 रुपया चुराया था, उसको चुराए साल भर, 2 साल 10 साल 20 साल हो गए, लेकिन गलत कर्मों की जो छाप होती है, गलत कर्मों का जो संस्कार होता है वो बहुत भारी होता है, वो मिटता नहीं। जैसे आप लोग का फेस चेहरा मेरे तरफ है और आपको कोई व्यक्ति पीछे से आकर आपको कहीं ऐसे, क्या कहते हैं आप लोग, हम लोग गुदगुदाना कहते हैं, समझ गए, आपको कोई ऐसे गुदगुदाए तो आपको क्या आएगी, हंसी आएगी। और खुदा ना खासा ऐसे किसी की जिंदगी में मत हो, लेकिन ये उदाहरण है। आप यहां से उठकर चलने लगे और आपके पैर में कहीं कांटा या कील चुभ गया तो आप क्या महसूस करेंगे, दर्द महसूस करेंगे। ऐसे ही आपके जो अच्छे कर्म होते हैं, आप जब अच्छा कर्म करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, दिन दुखियों को खिलाते पिलाते हो या कोई अच्छा काम करते हो, तो आपके जो अच्छे कर्म हैं वो आपको गुदगुदाता है और उसी अच्छे कर्मों के वजह से आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और प्रसन्न रहते हैं। और जब जब आप गलत काम करते हैं तो वो कांटों की तरह आपको छेदता है, कोई जाने या ना जाने आपके चेहरे का आवभाव बता देता है। किसी के घर हम गए, उस व्यक्ति को यदि हमारा आना पसंद नहीं है, वो भले मुंह से ना बोले, उसके चेहरे के आवभाव, उसके व्यवहार से आप समझ जाते हो कि उस व्यक्ति का हमारा आना पसंद नहीं है। तो साहब कहते हैं कि सद्गुरु वचन सुनो हो संतो,
सभी को सदगुरु कबीर साहेब जी संत से संबोधित करते हैं। यही संतों की अहेतुकी कृपा, असीम अनुकंपा संतों की हमर आप ऊपर बरस रही है। संत गुरुजन हमारी गली में, गांव में, जहां तहां जा जाकर सत्य ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं, हम सबको जगा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं कि जागो। एक होती है संतों की परंपरा और दूसरी होती है पहलवानों की परंपरा। दो परंपराएं हैं। जैसे एक पहलवान है, यदि वो अपने पहलवानी के 100 दांव पे जानता होगा तो उसके पास कोई सीखने जाएगा तो वो 100 में 100 नहीं बताता है, 2-3 दांव पेच बचाकर रखता है। क्यों रखता है? कहीं ये बंदा, ये बेटा मुझे ही ना पटक दे, मुझे ही ना पछाड़ दे, इसलिए वो 2-3 दांव पेच बचाकर रखते हैं। और दूसरी होती है संतों की परंपरा। और संत गुरुजन वो जितनी बातें जानते हैं अपनी साधना से, तपस्या से, संतों गुरुजनों से जहां तहां से सीखे रहते हैं, उन सारी बातों को हमारे सामने उड़ेल देते हैं। जहां छल हो, कपट हो, वो संत कैसे? जो निर्मल हो गंगा जल की तरह, जिसका मन निर्मल हो वो व्यक्ति संत है। आप गंगा को देखे होंगे, जहां से गंगा निकली है, गंगोत्री को फोड़कर, बड़े बड़े चट्टानों को, पर्वतों से उतरकर जब मैदानी भागों में जब गंगा आती है, तो फिर जैसे ही ऋषिकेश, हरिद्वार होते होते जितनी आगे बढ़ती है गंगा, उनकी पाट गंगा विशाल रूप धारण करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो अन्य सहायक नदियों को, नहर के, नाली के, गटर के, सभी पानी को अपने में समाहित करती चली जाती है। वो गंगा कभी नाक नहीं सिकोड़ती है, गटर का पानी आ रहा है कि चमड़ा फैक्ट्री कानपुर का पानी आ रहा है, सबको समाहित करते हुए चलती है। तो ऐसे ही संतों का जीवन होता है और हम सबके ऊपर बड़ी कृपा है संतों की। आज संतों के संग साथ लगे हैं, उनके उपदेशों को सुने, किसी गुरु से आप उपदेश लिए। सबसे प्रथम हमारे पारखे संत गुरुजन कबीर पंथियों में, खासकर दीक्षा देने के पहले हमारे संत गुरुजन पूछते हैं, बेटा कहीं नशा तो नहीं करते हो? अब आप करते भी हो, नहीं कह रहे हो तो आप जाने। खान पान आपका पवित्र हो, आचार विचार पवित्र हो। अब ऐसे निर्मल संतों को पाकर भी हमारे कदम भाग जाए, हमारे पैर फिसल जाए, तो हमारा दुर्भाग्य ही है। और संतों का संग आप देखेंगे, भगवान राम जब सबरी की कुटी में पहुंचते हैं, सबरी माता बहुत खुश हो जाती है, भाव विवर, कब से आपको देखने के लिए भगवान मेरी अंखियां तरस गई थी। माता सबरी भगवान राम को बेर खिलाती है, क्योंकि जंगल में रहती थी तो जंगल के कंदमूल फल से बेर यूतों को खिलाती है। उसके बाद भगवान राम से सबरी हाथ जोड़कर कहती है, भगवान मेरे लिए आप कुछ बोलिए। जैसे हमारे घरों में संत आ जाते हैं तो हम लोग भी कहते हैं कि संत जी कुछ हमारे जीवन उद्धार की बात बताइए। तब भगवान राम सबरी को नौधा भक्ति बताते हैं। उसमें प्रथम भक्ति क्या बताते हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये सबरी, तुमको मैं प्रथम भक्ति बता रहा हूं कि संतों के संग साथ करो। भगवान राम के भी कितने गुरु थे? 2 गुरु थे। भगवान राम सुबह उठकर अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करते थे, संत गुरुजनों के प्रणाम करते थे। बिना गुरु आज्ञा के कभी भी भगवान कोई काम नहीं करता था। तभी भगवान राम आज मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, माता पिता की आज्ञाकारी, गुरु के आज्ञाकारी। आज हमारे भारत देश में उस भगवान राम को बच्चा बच्चा जानता है। वो भी हमारे और आप सरीखे हाड़ चाम टट्टी पेशाब के शरीर थे उनका भी,
जितने महापुरुष हुए हैं वो हम और आप सरीखे ही रहे हैं, लेकिन उसके उच्च आदर्श निर्मल व्यवहार वही हमको उसके दर्शन के लिए हमारा मन ललायित होता है। आप किसी संतों से जुड़े होंगे तो वो संत देखने में बहुत हैंडसम हो या उसके पास बहुत गाड़ी मोटर बंगला हो, उनके आश्रम बहुत बड़ा हो, उनके बाहरी ऐश्वर्यों से आप नहीं जुड़े होंगे। कैसे जुड़े हैं? उनके निर्मल जीवन, उनके साग पाक जिंदगी, उच्चतम आदर्श, तभी तो हम सुनते हैं कि वहां संत गुरु पधारे हैं। घर के सारे काम काजों को छोड़कर हम दौड़े दौड़े भागे भागे जाते हैं। आज हम जितने भी हमारे भारत देश के संत हुए हैं, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, जीसस हो, कोई हमारे शारीरिक रूप से उससे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई हमारे दादा बाबा काका मामा नहीं है, फिर भी हमारा मन उनके दर्शन के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए मन ललायित रहता है, मन श्रद्धा से भर जाता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहेब अपने जीवन में अनुभव किए, और सद्गुरु कबीर साहेब एक विरक्त संत थे, बाल ब्रह्मचारी, और बचपना से ही साधु संतों का संग सत्संग में लग गए थे। पूरी जिंदगी साधना भजन भक्ति और संतों के इर्द गिर्द ही बिताए। 119 साल 7 महीने 25 दिन उसकी जिंदगी रही है। इस लंबे जीवन में उन्होंने जो अनुभव किए, साधना की बातें, अनुभव की बातें, जो उन्होंने देखा, देश में, समाज में, विदेशों में भी घूमे, उन्हीं बातों को वो अपने बीजक में, उन वाणियों को उन्होंने पिरोया। तो ऐसे अनुभवी संतों के जीवन आदर्शों से हमें सीखना चाहिए। और संत गुरुजन तो अपनी बातें बताते हैं, और हम कितना समझते हैं, कितने उनकी वाणियों को अपने जीवन में अपनाते हैं, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। हर व्यक्ति के पास बहुत जानकारियां हैं, ऐसे नहीं कि जीवन कल्याण की बातें आप लोग नहीं जानते होंगे, ऐसा नहीं, सब जानते हैं किसमें मेरा हित है, किसमें अहित है, हम सब जानते हैं। भले उसको अपने जीवन में हम नहीं अपना पा रहे हैं, ये अलग बात है, और उन्हीं बातों को याद दिलाने के लिए, याद करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है अपनी साखी में, नित खरसान लोहा घुन छूटे, और नित की गोश्त माया मुंह टूटे। कोई औजार आप लोग देखे होंगे, आप लोग अपनी खेती किसानी में प्रयोग करते हैं, उस औजार में धार बना रहता है, चमक रहती है, और जिन औजारों का आप प्रयोग नहीं करते, उन औजारों में मूर्छा लगा होगा, या उसमें चमक नहीं होगी, या धार नहीं होगा। और ऐसे ही नित की गोष्ठ माया मोह टूटे, नित प्रतिदिन जब हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तब मन की मूर्छा, मन की बेहोशी ये समाप्त होती है। एक ही जगह है, एक ही साधन है मन को निर्मल और सुंदर बनाने का। पहले प्रयोग करें, पहले इस्तेमाल करें, तब विश्वास करें। सुने हो नहीं विज्ञापन में, तो मैं भी यहां से विज्ञापन कर रहा हूं, जो बातें आप सुन रहे हैं उन बातों को जीवन में जीना सीखें। हम सब जानते हैं क्रोध करना गलत है, शांत रहना अच्छा है, तो आप शांत नहीं रह सकते हैं तो क्रोध करना बंद कर दें। ठीक है, आप शांत नहीं रह सकते, अशांत रहते हैं तो क्रोध करना बंद कर दें।
ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन व्यभिचारी ना बने। अच्छा काम नहीं कर सकते मत करिए, लेकिन बुरा काम करने से आप परहेज रखें। देखो जीवन कैसे अच्छा नहीं बने। हम लोग कहते हैं कि क्या करें जी, हमें उतनी शक्ति नहीं, हमें समझ नहीं है, हम सत्संग नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। अच्छे कामों के लिए आदमी बहुत बहाना बनाता। आप किसी को नहीं सुने होंगे, हम तो गरीब आदमी है जी, हम क्यों दूसरे को गाली दें, हम क्यों चोरी करें, हम क्यों हत्या करें, अरे हम तो कमजोर हैं, गलत काम क्यों करें। ऐसा नहीं होता है। और जिंदगी में सत्संग के लिए, भजन के लिए समय निकालें। अक्सर होता है कि अच्छे कामों के लिए हम बहुत बहाना करते हैं। अभी आप किसी से पूछना, अमुक भैया आप सत्संग में नहीं आए, अरे क्या बताएं भाई, खेती किसानी का काम इतना है, वो काम है, वहां जाना है, यहां जाना है। ये बहाना क्यों होता है? कभी कभी जरूरी काम भी होता है, ऐसा बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अक्सर हम बहाना क्यों बना देते हैं? क्योंकि सत्संग को, भजन को जरूरी नहीं समझते। इसके बजाय किसी के ससुराल से कहीं शादी का निमंत्रण आ जाए, कार्ड एक महीने पहले आपके घर में पहुंच गया है, चाहे माता बहने हो या आप लोग हो, रोज पलट पलट कर देखेंगे, हाँ इतना दिन और बाकी है, इतना दिन और बाकी है, क्योंकि उस काम को हम जरूरी समझते हैं। लेकिन जीवन निर्माण की बातें हैं, जिससे मन शांत हो, जीवन व्यवस्थित हो, हमारी इंद्रियां व्यवस्थित हो, उन बातों पर हम ध्यान ही नहीं देते। इसलिए जहां भी सत्संग हो, चाहे वह किसी का भी हो, ये मत सोचना हम तो कबीर पंथी तो राधा स्वामी वाले में कैसे जाएं, गायत्री वाले में कैसे जाएं, उसमें कैसे जाएं, ऐसा मत सोचिए। जहां भी ज्ञान की बातें हो रही है, ज्ञान की चर्चा चल रही है, वहां पर जाकर आप जरूर बैठे। पता नहीं कौन सी बातें आपके दिल और दिमाग में चोट करे और आपकी जिंदगी ही बदल जाए। इसलिए हर जगह जाएं, हर लोगों को सुने, क्योंकि सत्य किसी एक की बपौती नहीं होती है। तो आज से बहाना बनाना छोड़े, सही काम के लिए, अच्छा काम के लिए हम हमेशा आगे रहे। एक सेठ जी था, तो सेठ जी के कई फैक्ट्रियां थी। ध्यान से सुनना, एक कहानी बता रहा हूं मैं, कैसे आदमी अपने आप को बहुत बिजी और व्यस्त समझते हैं, उन लोगों के लिए खासकर। तो सेठ जी के कई फैक्ट्रियां थी, तो सेठ जी सुबह उठे, मुंह धोए और दौड़ता था इस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री, कई फैक्ट्रियां थी। अरे वही तो सेठ है जिसके पास अतिरिक्त चीजें, अतिरिक्त सामान है, तो दौड़ा करे। और सुबह से निकले निकले वो शाम को देर सवेरे घर आता था। शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं। तो जैसे घर आए तो उसकी पत्नी दिन भर की जो समस्याएं रहती थी उसको वो सेठ जी से, उसकी धर्म पत्नी सेठानी बताती थी। सेठ जी सुनते हो जी, अरे घर में किराने का सामान नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ला दीजिए। तो सेठ कहता था कि अरे भाग्यवान, इन सब चीजों के लिए, इन सब बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। फिर दूसरे दिन सुबह उठा, सारे फैक्ट्री घूम घुमा कर सेठ फिर घर आया, तो उसकी धर्म पत्नी कहती, अरे सेठ जी घर में हमारा इकलौता बेटा पप्पू बीमार पड़ गया, उसकी तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर को दिखा दो। तो सेठ जी फिर अपना पुराना वही स्टाइल कि मैं बहुत बिजी हूं, बहुत व्यस्त हूं, तुम समझती नहीं हो, यहां तक मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं। तब सेठानी कहती कि अरे सेठ जी अभी मरना मत। तो सेठ कहते हैं क्यों? तो सेठानी कहती मुझे रोने की फुर्सत नहीं। कैसे भागम भाग की दुनिया है, लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं,
अपनों के लिए समय नहीं। इसीलिए बंधुओं समय निकालो, समय को आप नहीं निकालोगे तो समय तो निकल ही रहा है, समय तो निकल ही रहा है, भाग रहा है। एक व्यक्ति के पास ऐसे ही सभा लगी थी तो एक व्यक्ति आया, उनके सर के बाल बहुत बड़े बड़े थे और बड़े बड़े बाल होने के कारण उसका चेहरा उसके बाल से ढका हुआ था। ऐसे विचित्र व्यक्ति को देखकर लोगों ने पूछा कि भाई साहब आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं समय हूं। और जैसे ही और उसके पंख लगा हुआ था तो उन्होंने कहा कि मैं समय हूं, इतना बताया और पीछे लौट गया। लोगों ने पकड़ना चाहा तो उसके पीछे गंजा था सफाचट और पकड़े में नहीं आया और वो फुर से उड़ गया। तो ये समय को आप सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं, किधर लगा रहे हैं, सत्संग करते हैं कि नहीं करते हैं, वो समय को मतलब नहीं है, वो तो निकल ही रहा है। इसलिए सज्जनों जीवन के बेशकीमती क्षण बहुत क्षण बीत चुके हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब की भाषा में कहूं, बीते ताही विसार दे आगे की सुधि ले। जिंदगी के जो क्षण पल घड़ी बीत गई सो बीत गई, लेकिन बची हुई जिंदगी को अभी भी हम सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, अपनी जिंदगी में सुगंधी ला सकते हैं। हर आदमी के पास इतनी हिम्मत इतनी ताकत है कि अपनी जिंदगी में अमूल चूल परिवर्तन ला सकता है। आप अपने आप को दीनहीन मत समझिए, आप में वो शक्ति है, वो ताकत है, वो जज्बा है कि आप अपने जीवन को पूरा पूरा बदल सकते हैं। आपका अधिकार है, दुखी रहना मजबूरी नहीं है। वो तो हम ऐसे कुछ काम कर जाते हैं जिससे पूरा जीवन कंटका कीर्ण हो जाता है। विकारों का हम जखीरा बटोर लेते हैं और उन विकारों के तले, उन गलतियों के तले, उनके बोझ से हम दब जाते हैं। और ऐसे दबते दबते गलती करते करते अनेक जिंदगी बीत गई। जैसे आप लोग आज यहां सत्संग में आए हैं, यहां से उठे और उठकर चलते चलते कोई उस खंभा से टकरा गए। चलिए आज टकरा गए, कोई बात नहीं, कल फिर आएंगे, फिर टकरा गए, दो बार टकरा गए, आप ध्यान से सुनिएगा। और अंतिम के दिन फिर उसी खंभा से आप टकरा गए। अरे एक बार टकराए समझ आ जाना चाहिए कि यहां पर खंभा है, दूसरी बार भी टकरा गए, तीसरी बार भी टकरा गए, तो फिर कब तक टकराते रहोगे? ऐसे ही जिंदगी तो हमको कई बार मिली है। आज पहली बार आप मनुष्य का शरीर नहीं पाए हो, अनेकों बार मिली जिंदगी, लेकिन हर बार गफलत में, प्रपंच में, दुनिया के उलझनों में, दुनिया के प्रपंचों में जिंदगी के क्षण बीत गए, जीवन को समझ ही नहीं पाए। इस आत्मा की निर्मलता को आपके अंदर बोलने वाला वो चेतन राम, आत्मा राम, रमैया राम, उसकी सत्ता और महत्ता और निर्मलता को हम समझ ही नहीं पाए। कितने लोग कहते हैं कि आत्मा आत्मा आप लोग बात करते हैं, आत्मा है कहां? ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं आप लोग, आत्मा और परमात्मा की बात करते हो, आखिर आत्मा है कहां? अरे भाई साहब बोल कौन रहा है, आत्मा को पूछ कौन रहा है? अरे वही आत्मा, वही भगवान तो पूछ रहा है। अब दिखता क्यों नहीं है भाई? वो देखने की दृष्टि तो आनी चाहिए। जैसे आपके कमरे पर आप मोबाइल रखे हैं, कमरा एकदम अंधकार है, आप जानते हैं कि मोबाइल यही है, आप गए तो अंधकार की वजह से वो दिखता नहीं। अब वो दिखेगा कैसे? दिया जलाइए, स्विच ऑन करिए, तो जहां की सामान जैसे जैसे रखे हो वो साफ दिखेगा। वैसे विकारों का, विषय वासनाओं का ये अंधकार छाया हुआ है,
पर्दा छाया हुआ है भई, ऐसे हम लोग बैठे हैं यहीं पर, एक ऐसे पर्दा लगा दीजिए, ना आप हमको देख पाएंगे ना हम आपको देख पाएंगे। तो यही है वासनाओं की, दुनिया की इच्छाओं और चाहनाओं की जो पर्दा है, उस पर्दा को आपको हटाना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी आदेश, निर्देश और उपदेश करते हैं हम लोगों को, क्योंकि सदगुरु जानते हैं कि मेरे बच्चे इस संसार के माया मोह में आकंठ डूबे हुए हैं, आंखों में माड़ा छाया हुआ है। जैसे देखेंगे यहां पर कितने बुजुर्ग मोतियाबिंद के ऑपरेशन करा चुके होंगे। हमारे एक संत कह रहे थे कि एक एक चीजें दो दो तीन तीन दिख रहे हैं। मैं क्या, आपको फायदा है खाने पीने की, एक रोटी तीन चार दिखेगी। और जैसे ही आप ऑपरेशन कराते हैं, आंखों से साफ साफ दिखाई देना ही लगती है, वैसे ही अज्ञान की, अविद्या की जो मोतियाबिंद है, उसके आप ऑपरेशन कराइए, संतों और गुरुजनों के पास जाइए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी निर्देश करते हैं, सदगुरु वचन सुनो, संतों के ज्ञान ध्यान की बातों सुनो, तभी जीवन में आप शांति से आपकी मुलाकात हो पाएगी, वरना जिंदगी बीत जाएगी, सुख और शांति आपके लिए गुलर का फूल और ईद का चांद ही रह जाएगा। इतनी जिंदगी तो जिए हैं, कितना सुख मिला, कितनी शांति मिली, कितना दुख मिला है, आप स्वयं समझते हैं उन बातों को। आदमी सुख और शांति के लिए शर्त रखता है। क्या शर्त रखता है? कि मुझे अमुक चीज मिलेगी तब मैं सुख से रहूंगा, अमुक वस्तु आ जाएगी तब मन में शांति रहेगी, कोई मेरा अपमान नहीं करेगा, निरादर नहीं करेगा, अपमान नहीं करेगा तब मैं सुख से रहूंगा। ये जो आपके शर्त है ना, ये कभी आपको जीवन में सुखी होने ही नहीं देगा। दूसरों से आप बहुत इच्छा क्यों करते हो? दूसरे आपकी निंदा करे, प्रशंसा करे, आप तो जानते हैं अपने आप को कि आप क्या हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपको चोर कह दिया तो आप जानते हैं कि आप चोर हैं कि नहीं हैं। और यदि सचमुच में चोर हैं, चोरी किए हैं, तब भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं है तब भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपके सुखी होने में, आपकी शांति में कोई दूसरा रीजन, दूसरा कारण ना हो। एक होता है प्राणी जनित सुख, बोलिए सद्गुरुदेव की, एक होता है प्राणी जनित सुख और दूसरा होता है पदार्थ जनित सुख। कोई पदार्थ, घर में रंगीन टीवी आ गई, घर में फॉर्च्यूनर कार आ गई, मन में खुशी होती है, अच्छा महसूस होता है। और खुदा न खास्ता आप रात में सोए, गाड़ी कोई चुरा कर ले गया, घर में एसी लग गई, कूल कूल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसी बीच बिजली कहीं गोल हो गई, लाइन चली गई, तब जितनी कूल कूल ठंडी ठंडी महसूस करते थे उससे दुगुना गर्मी लगने लगती है, फिर आपका सुख और आनंद गायब हो गया। ये पदार्थ जनित सुख है। और एक दूसरा होता है एक वस्तु जनित सुख, और एक किसी मनुष्य को आप प्रिय समझते हैं, जिसको देखे बिना आपको चैन नहीं आता, वो व्यक्ति आपके कहीं विरुद्ध हो गया या कहीं उसको भगवान उठा लिए, तब भी आदमी दुखी और मायूस हो जाता है। ये दोनों सुख क्षणिक सुख है, आज है कल नहीं, ये छूटने वाली चीजें हैं, मायावी चीजें हैं, इससे आप प्रभावित ना हो। इन दोनों सुखों से भी हटकर सुख है जिसको अध्यात्म की भाषा में आत्मजनित सुख कहते हैं। अपनी आत्मा से जिसको प्यार हो जाता है, अपनी आत्मा से जिसको मोहब्बत हो जाती है, अपनी आत्मा से जिसको लव लग जाती है, जिसकी निष्ठा और लगन हो जाती है, फिर वह व्यक्ति बाहरी वस्तुओं से कभी भी प्रभावित हो ही नहीं सकता। अरे कब तक आप सुखी दुखी होते रहेंगे? कब तक मान और अपमान
में आप घुलते मिलते रहेंगे, ऊपर ऊंचे जितनी जितनी आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी, आध्यात्मिक पावर जब आएगा तब आप बलवान बनेंगे। फिर छोटी मोटी बातें आपको प्रभावित कर ही नहीं सकती। जैसे हम किसी वस्तु को नंगी आंखों से देखते हैं तो वो चीजें उतनी स्पष्ट नहीं दिखती, लेकिन जब हम पावर वाले चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो साफ साफ दिखाई पड़ने लगती है। वैसे ही आप दुनिया को मायावी दृष्टि से, संसारी दृष्टि से आप देखते हैं तो संसार की चीजें आकर्षण महसूस होती है। अब जब आध्यात्मिक दृष्टि आ जाती है संतों गुरुजनों की कृपा से, जो वस्तु जैसी है वैसे आप देखना जब सीख जाते हैं तब फिर सुख दुख से आप हट जाते हैं। तो लव लागत लागत लागे और भव भागत भागत भागे। अध्यात्म में, धर्म में, भक्ति में धीरे धीरे मन लगता है और धीरे धीरे आदमी उससे जुड़ता है, क्योंकि मन कब चाहता है कि सत्संग में बैठूं। सही बताना, यही जितने लोग आए हैं बहुत मन को मना कर आए होंगे, चलो चलो, तब कहीं आप आए होंगे, नहीं दो चार कदम खेत के तरफ या कहीं उधर जाने को मन मचला भी होगा। बहुत मना कर लाना पड़ता है क्योंकि मन दुनियादारी की चीजों को भोगने का, देखने का, सुनने का आदती है। ये मन भी एक बच्चों की तरह है। जैसे आपके घर के बच्चे कितने नटखट होते हैं, उसको बार बार समझाओगे बेटा इसको ऐसा मत करो, इसको मत छुओ, आज समझाए आधा घंटा, घंटा भर बाद बच्चा वही करता है, फिर वही करेगा, उसी तोड़ देगा, फोड़ देगा, किसी को मार देगा। आप फिर समझाते हो, प्यार से नहीं समझता तो डांट कर समझाते हो, कभी कभी प्यार की तमाचा भी लगाना पड़ता है, तब धीरे धीरे जाकर बच्चा समझता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। वैसे आपका मन भी एक बच्चा है, बहुत नटखट बालक है, शैतानी करने में बहुत होशियार है, बहुत मनाना पड़ता है, राजी करना पड़ता है, कभी कभी अच्छी बातों को रिश्वत भी देना पड़ता है, तब कहीं जाकर मन राजी होता है। बार बार समझाइए, आप अपने आप से बात करना सीखें, आप अपने आप से प्रश्न उठाइए कि मेरे जीवन में इतनी मेरी जिंदगी बीत गई, सत्संग करते, भक्ति करते, संत गुरु के चरण शरण जाते, लेकिन आज भी जो मुझे उपलब्ध होना चाहिए, जो मुझे पाना चाहिए, वो मैं क्यों नहीं पा पा रहा हूं। बिना प्रश्न किए, बिना चिंतन किए, मनन किए आप धर्म और अध्यात्म की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। देखो आप लोग बैठे, कितने घरों में गाय भैंस होगी, बैल भी रखे होंगे, आप लोग रखे कि नहीं रखे। आज निगरानी से देखना, जब गाय भैंस बैल को आप चारा देते हो और चारा खाने के बाद क्या करते हैं वो लोग, पाघूर मारते हैं। जब वो पाघूर मारते हैं तब उसका खाना हजम होता है। वैसे ही जो संतों से सुनते हो, जो गुनते हो, पढ़ते हो, उसको आप लोग भी पाघूर मारा करें, उनको याद किया करें। आज सत्संग सुन ले, ऐसा नहीं कि हम काम हो गया, वो तो उठते ही सब समाप्त तो हो जाता है, क्योंकि माया मोह इतनी प्रबल है, वो ठसम ठस भरा हुआ है। अब एक गिलास दूध हो, एक गिलास पानी हो, दूध नहीं पानी हो, उसमें आप दूध डालोगे तो दूध कहां जाएगा, नीचे गिरेगा। वैसे विकारों से हृदय भरा हुआ है, गलत गलत बातों से, गलत गलत संस्कारों से मन भरा हुआ, उसको आप उलझिए। देखो जो कुआं हुआ रखे हैं, दो साल एक साल में उसके पानी को उलझ कर उसके दलदल को, उसकी गंदगी को साफ करते हैं, तब आपके कुआं फिर उसके स्रोत फूटता है और मस्त और शीतल जल आता है। वैसे ही मन, इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी का हम लोगों के प्रति आदेश है कि सदगुरु वचन सुनो हो संतो, संतों सदगुरु और संतों के वचन को सुनो, उनके सानिध्य जाओ और जीवन
में जो अनहोनी घटना अमंगल घटनाएं होती है उनका आप सुधार करो, अपने जीवन को कृतार्थ करो। ये जिंदगी अपने जीवन को सजाने और संवारने के लिए मिली है। सबके साथ सरलता और विनम्रता का व्यवहार करें। ये चार दिन की जिंदगी है, ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जिंदगी है। इस जिंदगी को आप खुशनुमा बनाएं। मैं आप सबकी मंगल कामना करता हूं कि आपके जीवन में सुख शांति हो। आप सब अपनी जिंदगी को गगन मगन होकर जिए, पूरे प्रसन्नता पूर्वक जिए, ये आपका अधिकार है। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब।